खबर बलिया से है, जहां स्कूल की बस पलटने से बच्चे चोटिल हो गए हैं। मामला बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के नगर से सटे अगर संडा गांव स्थित सनबीम स्कूल की बस बुधवार की दोपहर स्कूल छुट्टी के दौरान स्कूल के पास ही अनबैलेंस्ड होकर पलट गई थी, जिसमें करीब दर्जन भर बच्चों को चोट आई। स्कूल प्रशासन और आसपास के लोगों ने आनन-फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों का इलाज किया गया। वहीं बच्चों के पेरेंट्स को घटना की जानकारी होते ही कई पेरेंट्स रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंचे। हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। इलाज हो जाने दीजिए, उसके बाद आप मीटिंग कर लीजिए। बात करिए, बात अभी घायल बच्चे आए हैं 13, जिनकी संख्या 13 है और सभी को चोटें हल्की फुल्की चोटें आई है। वो सनबीम स्कूल बलिया के बच्चे हैं। तो कैसे चोटें आई, क्या बात है? जहाँ तक स्कूल के टीचर द्वारा बताया गया कि बस पलटने से उनको हर चोटें आई। सर, आपने जो एग्जामिन किया है, क्या उन बच्चों में किसी की हालत ज्यादा गंभीर भी है? नहीं, सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जन और ऑर्थो सर्जन द्वारा देखा गया है, किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। बहरहाल सारे बच्चों को इलाज करके उनके घर उन्हें वापस भेज दिया गया है। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट।